मैं डॉक्टर अली इमाम, राजनीति विज्ञान विभाग, टीएवी पीजी कॉलेज सिवान। छात्र, आज का विषय है स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका। हम उसमें स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका का गठन, कार्य और उसकी स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में एक विचित्र कार्यपालिका का प्रावधान है, जहां कार्यपालिका सत्ता किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर 7 सदस्य वाली परिषद में निहित है, जिसे फेडरल काउंसिल या संघीय परिषद कहते हैं। संघीय परिषद के 7 सदस्य समान शक्तियों का उपभोग करते हैं। इस प्रकार संघीय परिषद का रूप बहुल या प्लुरल है। एक मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा के चलते स्विट्जरलैंड की जनता संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति को एक व्यक्ति में निहित नहीं करना चाहती थी, जो अधिनायकवादी प्रवृत्ति अपना सके। स्विस संघीय कार्यपालिका में अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण स्टेबिलिटी के साथ इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली के गुण रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पाया जाता है। फिर भी अनेक वजहों से स्विस संघीय परिषद विश्व की अनोखी कार्यपालिका है। इसीलिए प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि नो एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन द वर्ल्ड इज सो डिजर्विंग ऑफ अटेंशन एज दैट ऑफ स्विट्जरलैंड। अब हम संघीय कार्यपालिका के गठन पर चर्चा करेंगे। संघीय परिषद के कुल 7 सदस्यों को संघीय सभा अपने में से अपने संयुक्त बैठक में 4 वर्षों के लिए चुनती है, किंतु इसका कार्यकाल नेशनल काउंसिल अर्थात संघीय सभा के निम्न या लोकप्रिय सदन के कार्यकाल पर भी निर्भर करता है। यदि इस अवधि के पूर्व फेडरल असेंबली भंग हो जाए तो नवीन निर्वाचन के बाद संघीय सभा के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में नई संघीय परिषद चुनती है। मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से यदि 4 वर्ष के पूर्व संघीय परिषद का कोई स्थान रिक्त हो जाए तो संघीय सभा अपने अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करती है। संघीय परिषद के सदस्य बार बार संघीय सभा के द्वारा चुने जा सकते हैं और कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुनने के योग्य होंगे संघीय परिषद के सदस्य चुने जा सकते हैं। सामान्यतः संघीय सभा अपने सदस्यों में से संघीय परिषद का चुनाव करती है, किंतु पद ग्रहण करने के बाद उन्हें संघीय सभा की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। संविधान के अनुसार एक कैंटन, जो वहाँ के राज्य कहलाते हैं, भारत में भी और अमेरिका में भी, उसी तरह स्विट्जरलैंड में कैंटन को राज्य कहते हैं। एक कैंटन से एक से अधिक सदस्य संघीय परिषद में नहीं लिए जा सकते,
लेकिन एक स्वस्थ परंपरा के अनुसार ज्यूरिस, बर्न, बार्ड जैसे बड़े कैंटन्स को संघीय परिषद में अवश्य प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसमें किसी राजनीतिक दल से दो से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। सामान्यतः संघीय परिषद में चार सदस्य जर्मन भाषी प्रांतों, दो सदस्य फ्रेंच भाषी कैंटनों तथा एक सदस्य इटालियन भाषी प्रांत से होंगे। इस प्रकार शीर्ष संघीय परिषद के गठन में तीनों प्रमुख भाषी कैंटनों तथा प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। छात्र, संघीय सभा संघीय परिषद के सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष को एक वर्ष के लिए चुनती है। अध्यक्ष का पद संघीय परिषद के सदस्यों में घूमता रहता है। सामान्यतः संघीय परिषद का उपाध्यक्ष अगले वर्ष अध्यक्ष हो जाता है। संघीय परिषद का अध्यक्ष परिषद के बैठकों का अध्यक्षता करता है, लेकिन वह अन्य सदस्यों की तुलना में किसी श्रेष्ठ स्थिति का उपयोग नहीं करता। वास्तव में संघीय परिषद के दूसरे सदस्यों की भांति वह भी एक प्रशासकीय विभाग का प्रभारी या इंचार्ज होता है और उस विभाग से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। संघीय परिषद का अध्यक्ष ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहलाता है। स्विस राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति स्विस राष्ट्र का प्रतीक है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है तथा उनके परिचय पत्र स्वीकार करता है। उसे विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधि तथा अधिवक्ता माना जाता है। जब अन्य देशों का प्रधान स्विट्जरलैंड की राजकीय यात्रा पर आते हैं, तब संघीय परिषद के सातों सदस्य उनका स्वागत करते हैं। छात्रों, अब हम संघीय परिषद के शक्ति और कार्य की चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड की संविधान की धारा 95 के अनुसार स्विट्जरलैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति संघीय परिषद में निहित है। प्रशासकीय शक्तियों के अलावा संघीय परिषद को कुछ महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। स्विस संविधान की धारा 102 में संघीय परिषद की शक्तियों एवं कार्यों की चर्चा की गई है। कार्यपालिका शक्तियां स्विट्जरलैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति संघीय परिषद में निहित है। इस दृष्टि से संघीय परिषद विधियों तथा आदेशों के अनुसार समस्त स्विट्जरलैंड में प्रशासकों को नियंत्रित करती है। स्विस संविधान के उपबंधों, संघीय सभा द्वारा बनाए गए कानूनों, अध्यादेशों, विदेशों के साथ की गई संधियों और संघीय न्यायाधिकरण
के फैसलों को लागू करने की जिम्मेदारी संघीय परिषद पर है। संघीय परिषद को उन सभी पदों पर नियुक्ति का अधिकार है जिन पर नियुक्ति करने की शक्ति संघीय सभा, संघीय न्यायालय तथा या अन्य किसी संघीय प्राधिकारी की को प्रदान नहीं की गई हो। देश की तटस्थता को बनाए रखना, देश की बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, देश में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा संघीय अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी भी संघीय परिषद पर है। संघीय परिषद को संघीय सेना पर सीमित नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। यदि संघीय सभा की बैठक नहीं हो रही हो और सुरक्षा की दृष्टि से कोई आवश्यक कार्य करना हो तो परिषद स्वयं ही अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है, लेकिन 3 सप्ताह से अधिक अवधि के लिए या 2000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करने हो तो उस पर संघीय सभा की स्वीकृति आवश्यक होगी। संघीय परिषद वैदेशिक संबंधों का संचालन कैंटनों की पारस्परिक संधियों और कैंटनों के द्वारा विदेशों से जो संधियां की गई हैं उनकी जांच करती है और स्वीकृति प्रदान करती है। यदि परिषद ऐसा समझने के में समझे कि ये संधियां अनुचित है तो वह संघीय सभा से उन संधियों को रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। विधायी शक्तियां। यद्यपि संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वे विधायी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लगभग 95% विधेयक को संघीय परिषद या तो संघीय सभा के रिक्वेस्ट पर या अपने से संघीय सभा में पेश करती है। संघीय सभा में निजी सदस्यों के द्वारा जितने भी विधेयक पेश किए जाते हैं उनको सर्वप्रथम संघीय परिषद के सदस्यों के पास विचार विमर्श के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद ही संघीय सभा उस पर विचार करती है। संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के दोनों सदनों की कार्यवाही में या प्रोसीडिंग्स में भाग लेते हैं, लेकिन संघीय सभा के मतदान में भाग नहीं लेते। संघीय परिषद के सदस्य अपनी नीतियों के संबंध में संघीय सभा के समक्ष स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के द्वारा हटाए नहीं जा सकते। अंत में संघीय परिषद अध्यादेश भी जारी कर सकती है जिसका प्रभाव कानून जैसा होता है। वित्तीय शक्तियां। बजट तैयार करना और उसे संघीय सभा से पास करवाने की जिम्मेदारी संघीय परिषद की है। बजट पास होने के बाद संघीय परिषद राज्य की वसूली करती है और सुनिश्चित करती है कि पैसे का खर्च संघीय सभा द्वारा स्वीकृत की के मुताबिक हुआ है। न्यायिक शक्तियां। 1914 तक
संघीय परिषद को व्यापक न्यायिक शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन उसके बाद उसकी न्यायिक शक्तियां कम हो गई। फिर भी संघीय परिषद सरकार के विभिन्न विभागों जिसमें रेलवे प्रशासन भी सम्मिलित है के निर्णयों के विरुद्ध निजी व्यक्तियों की अपीलें सुनती है, संघीय न्यायाधिकरण के निर्णयों को लागू करती है, कैंटनों के द्वारा आपस में किए गए समझौते या विदेशी सरकारों से किए गए समझौतों को लागू करती है। संघीय परिषद यह भी निर्धारित करती है कि ये समझौते संघीय संविधान के साथ मेल खाते हैं या नहीं। कुछ मामलों में यह कैंटोनल कोर्ट्स के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनती है। इन सभी विवादों के संबंध में संघीय परिषद का निर्णय अंतिम नहीं होता। संघीय परिषद के फैसलों के विरुद्ध संघीय न्यायाधिकरण तथा संघीय सभा में अपील किया जा सकता है। छात्रों, अब हम संघीय परिषद की स्थिति की चर्चा करेंगे, पोजीशन ऑफ फेडरल काउंसिल। यद्यपि संघीय परिषद को संघीय सभा के एक अधीनस्थ अभिकरण के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन यह व्यवहार में उसने महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है और वह शीर्ष राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शीर्ष राजनीतिक व्यवस्था में संघीय परिषद की महत्वपूर्ण स्थिति के अनेक कारक जिम्मेदार हैं, जैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रारंभ, दो विश्व युद्धों के दौरान उत्पन्न संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए संघीय परिषद को व्यापक शक्तियों को दिया जाना, 1929-30 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड की तटस्थता, अखंडता, सुरक्षा के लिए संघीय सभा द्वारा संघीय परिषद को कुछ शक्तियां हस्तांतरित किया जाना। उपरोक्त कारकों के प्राम स्वरूप संघीय परिषद ने अपनी संवैधानिक सेवक वाली स्थिति को परिवर्तित करके संघीय सभा की पॉलिटिकल मास्टर वाली स्थिति में परिवर्तित कर ली है। संक्षेप में लॉर्ड ब्राइस ने संघीय परिषद की स्थिति को इस प्रकार वर्णन किया है। वैधानिक दृष्टि से व्यवस्थापिका की सेविका होते हुए भी व्यवहार में संघीय परिषद ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद के समान और फ्रांस की मंत्रिपरिषद से कुछ अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। यह पथ प्रदर्शक भी है और साधन भी।